नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश में। देखिए, 2019 में पीएम मोदी को चौकीदार बोला गया था, जिसके बदले बीजेपी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया था। और इस बार 2024 में लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी को बोला है कि उनका कोई परिवार नहीं है, जिसके बदले बीजेपी अब हैशटैग मोदी का परिवार कैंपेन चला रही है। आइए आज हम जनता से ये जानेंगे कि विपक्ष जो है वो जानबूझकर कोई ऐसा मुद्दा दे देती है बीजेपी को, जिसकी वजह से जनता जो है वो पीएम मोदी को वोट दे देते हैं। क्या आपको लगता है विपक्ष जो है वो खुद ऐसा मुद्दा दे देती है बीजेपी को, जिसकी वजह से लोग जो है वो जनता जो है वो मोदी को चुनती है? जैसे उन्होंने बोला था चौकीदार है मोदी जी, ठीक है, तो सबने बोला मैं भी चौकीदार। अभी लालू प्रसाद यादव ने बोला कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, तो सब बोल रहे हैं हम हैं मोदी का परिवार। तो आपको लगता है विपक्ष जो है उसके बिगड़े बोल की वजह से ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुद्दे होने भी चाहिए आपके पास। जब आपके पास मुद्दे नहीं होते तो आप ऐसी ही गैर जरूरी बातें करते हैं। मुद्दे अगर आप जब जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसको आप कैसे घेरेंगे? घेरने के लिए आपके पास मुद्दे होने चाहिए। जब आप शासन में थे आपने कोई काम नहीं किया तो आपके पास कोई उपलब्धि है नहीं गिनाने के लिए। फिर जब वो सरकार कोई काम कर रही है जो शासन में है और आप इलेक्शन में जाने वाले हैं, ये इलेक्शन ईयर है, तो आपके पास बकवास करने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो इसलिए अब ये तो जो बातें वो कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि उनको अटैक करना गवर्नमेंट को, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो उलझुल जो भी आया दिमाग में वो बक दिया। इससे जनता अपना मन नहीं बनाती कभी किसी को सेलेक्ट करने के लिए। जो हमसे जुड़े हुए रोज मुद्दे हैं, जब हम देख रहे हैं सरकार ने काम किया है, जब सड़क बन रही है, जब मुझे पहुँचने में जहाँ 1 घंटे लगते थे, जब मुझे पहुँचने में 15 मिनट लगेंगे, वो मुझे विजिबल दिख रहा है। किसी के परिवार नहीं होने, और ये फिर मोदी भी अगर कह रहे हैं कि मेरा पूरा देश मेरा परिवार है, वो एक काउंटर अटैक हो गया। लेकिन जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं, जब वो लोग कह रहे हैं कि दिख रहा है जो काम हुआ है, एम्स बने हैं, एजुकेशन में काम किया है, और एक्सटर्नल अफेयर्स में जयशंकर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो अच्छे काम हो रहे हैं लोगों को दिखते हैं, उसमें वो विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं होगा, तो उलझुल बातें करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये क्या है ना, विपक्ष वाले अपने खुद सेल्फ गोल करते हैं। सेल्फ गोल का मतलब ये होता है कि आप सामने जिस पर्सन का मतलब मार्केट में वैल्यू है, मार्केट में क्यों, इंटरनेशनल वैल्यू है, रैंकिंग एक पे आ रहे हैं, जहाँ पे बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनका रैंकिंग है, आप उनके माता को उनके पिता को लेके कोई वर्ड बोलोगे तो जो आम पब्लिक तक सूचना पहुँचेगी वो नॉर्मल सी बात है गलत पहुँचेगी, और जब गलत पहुँचेगी तो वोट में भी वो कहीं ना कहीं शो होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, विपक्ष को ये गलती रोकनी चाहिए अपनी। उनको आपको लगता है उनके बिगड़े बोल की वजह से ये होता है? जी, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अभी पहले उस तरह नहीं था कि जैसे कि कोई भी सूचना पब्लिक तक नहीं पहुंचती थी, अब वो सूचना पब्लिक तक पहुंच रही, चाहे वो सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कहीं से। तो आप ये मान के चलिए कि आप कुछ बोल के निकल जाओगे, आप उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, अब वो चीज़ें नहीं रहेगी, अब वो सारी चीज़ें पब्लिक तक पहुँच रही हैं और पब्लिक उसी हिसाब से मूड बनाता है अपना वोट देने के लिए। विपक्ष जो है हमेशा बदतमीजी ही बोलती है, उन्हें तमीज तो है नहीं बोलने का, तब ऐसा गलत है, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक तो मोदी जी बहुत बुजुर्ग आदमी है और इतने उस हिसाब से भी उनको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो बोलते हैं जी। क्या आपको लगता है वो ऐसा बोल के जो विपक्ष के नेता है वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि जनता जानती है सच्चाई क्या है, ईमानदार कौन है और बेईमान कौन है, ये पता है जनता को। मोदी जी को ही सपोर्ट करेगी जनता। आपको क्या लगता है? मोदी जी को सपोर्ट करेगी जनता। वजह बताइए। वजह, काम उनका सही ईमानदार है, उनके राज में वो नहीं हो रहे हैं, घोटाले नहीं हो रहे उनके राज में, उनके शासन में, इन लोगों के शासन में तो घोटाले हो रहे थे, टूजी घोटाला, कोयला घोटाला, सब घोटाला ही घोटाला इन लोगों का। ये परिवारवादी हैं ये लोग, परिवार से अपना चलाते हैं, ये बैठे तो किसी अपने मतलब आगे के जो मेरे लड़के हैं उनको कैसे वो किया जाए, सेट किया जाए इसके लिए। ये तो था सिर्फ एक मुद्दा, लेकिन ऐसे ही और मुद्दों पर देश की जनता क्या सोचती है इस बारे में कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।